शब्द परिचय जो अपना प्रथम जो पाठ है कक्षा सिक्स का, उसमें ये जो कह रहे हैं कि एषः कः, यानी कि ये जो है वो क्या है, ये यह क्या है, ठीक है ना दोस्तों। एषः का मतलब यह क्या है, एषः चषकः, यह क्या है दोस्तों गिलास, चषक का मतलब क्या होता है गिलास, गिलास, यानी कि ऐसा क्या है गिलास, है ना। किम एषः व्रत, क्या यह बड़ा है, क्या यह बड़ा है, व्रत का मतलब होता है बड़ा, क्या यह बड़ा है। न एषः लघु, और न ही ये छोटा है, न ही यह क्या है छोटा है, लघु यानी क्या होता है छोटा, और बृहत यानी क्या होता है बड़ा, ठीक है दोस्तों। और ना यानी नहीं, ना यानी क्या होता है नहीं, ठीक है ना दोस्तों। तो ना ही ये छोटा है, ठीक है। अब अपन दूसरे की ओर चलते हैं कि दूसरे में अपने को क्या कह रहे हैं, देखिए स कह, यानी कि यह कौन है, ठीक है ना, यानी कि वह कौन सा, यानी वह कौन है, ठीक है ना, यानी कि उसके बाद में सह सोचक, सोचक का मतलब होता है दोस्तों, सोचक का मतलब क्या होता है दर्जी या सिलाई करने वाला, सोचक का मतलब होता है दर्जी या सिलाई करने वाला, सिलाई करने वाला, करने वाला, ठीक है ना दोस्तों। यानी कि वह कौन है, तो वह सोचक है, यानी कि सिलाई करने वाला है, सोचक की करोती, यानी कि सोचक क्या करता है, यानी कि सोचक क्या करता है, यानी कि सोचक किम करोती, यानी सोचक क्या कर रहा है, है? स की किम से खेलती, यानी कि क्या ये खेल रहे हैं, क्या ये खेल रहे हैं, ठीक है ना। किम से खेलती का मतलब खेलना, ठीक है ना, खेलना, क्या यह खेल रही है। न सह वस्त्रम सिद्ध्यति, और ना ही ये वस्त्रों को क्या कर रहे हैं, सिल रहे हैं, या कपड़ों को क्या कर रहे हैं, सिद्ध्यति का मतलब होता है सिलना, सिलना या सिलाई करना, या सिलाई करना, करना, ठीक है दोस्तों। मतलब इसमें ये कह रहे हैं न है, न तो यह क्या कर रहे हैं, वह कपड़ों को सिल रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखते हैं, इसमें देखिए, इसमें ए तो को, यानी कि यह दोनों कौन है, ए तो का मतलब होता है यह दोनों, यह दोनों, यह दोनों कौन है, ये तो सुनको, यह दोनों कौन है, कुत्ते हैं। सुनको का मतलब क्या होता है दोस्तों, कुत्ते, सुनको का मतलब क्या होता है दोस्तों, कुत्ते, यानी कि यह दोनों कुत्ते हैं, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद में किम ये तो गर्जता, क्या यह गर्जते हैं या भौंकते हैं, क्या गर्जते हैं, क्या यह गर्जते हैं, गर्जता मतलब गर्जना करना, गर्जना करना, क्या यह गर्जते हैं, ठीक है ना। न ये तो उच्चे भुक्कता, यानी कि ना ही ये जोर से, वो उच्च का मतलब होता है जोर से, उच्च का मतलब क्या होता है दोस्तों, जोर से, जोर
से, और भुक्कड़ का मतलब क्या होता है? भौंकना, ठीक है ना, भौंकना। तो मतलब ना ही ये क्या करते हैं, ना ही ये दोनों जोर से भौंकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसके आगे देखते हैं। तो को यानी कि यह कौन है, तो को यानी कि यह कौन है, तो बलिवर्दो यानी कि बलिवर्दो मतलब यह दो बैल हैं। बलिवर्दो का मतलब होता है बैल। यह दो क्या है दोस्तों, यानी कि यह दो दो क्या है, यह दो क्या है, बैल है, ठीक है ना दोस्तों, बैल। बलिवर्दो का मतलब क्या होता है दोस्तों, बैल, ठीक है ना। और कि तो धावतः, क्या यह दौड़ रहे हैं, क्या यह दौड़ रहे हैं, ठीक है। धावतः का मतलब होता है दौड़ना, धावतः का मतलब क्या होता है दोस्तों, दौड़ना, ठीक है ना। इसके बाद में न तो क्षेत्रम कृषकः, क्षेत्र का मतलब होता है खेत और कृषक का मतलब होता है जोतना। क्षेत्र का मतलब क्या होता है, खेत, या कृषक का मतलब क्या होता है, जोतना, जोतना, ठीक है ना दोस्तों। मतलब क्या कह रहा है, ना तो ये दौड़ रहे हैं और ना ही ये क्या कर रहे हैं, खेत को जोत रहे हैं, ठीक है ना दोस्तों। इसमें हमारे मतलब बैलों के बारे में बताया गया है। इसके आगे अपन चलते हैं। देखो इसके आगे जो है वो है एते के, यानी कि ये क्या है, ये क्या है। एते शीता, शीता यानी होता है बैग या थैला, शीता यानी क्या होता है दोस्तों, बैग या थैला। थैला, ठीक है ना, यानी कि एते के यह क्या है, ये एते श्वेता संति, यानी कि यह बैग है, ठीक है ना। यह बहुत सारे, संति का मतलब बहुत सारे बैग है, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद में किम एते हरितवर्णा, क्या किम यानी क्या यह हरे, हरित वर्ण का मतलब होता है हरे रंग के हैं, हरे रंग के हैं, रंग के हैं, क्या यह हरे रंग के हैं, क्या यह हरे रंग के हैं। इसके बाद में ना ही ये थे नील वर्णा, नहीं यह कौन से वर्ण के हैं, नील वर्ण के हैं, यानी कि यह नीले रंग के हैं। नील वर्ण का मतलब होता है नीले रंग के, नीले रंग के, रंग के हैं, ठीक है ना दोस्तों। यानी कि हमारे जो इसमें क्या बोलते हैं, इसमें क्या बताया गया है, मतलब बैगों के बारे में बताया गया है। इसके बाद में देखिए दोस्तों के यहां वृद्धों के लिए कहा गया है ते के, यानी कि ये सब कौन है। ते के का मतलब होता है यह सब कौन है, ठीक है। इसके बाद ते वृद्धा संति, ये सब कौन है, ये सब वृद्ध हैं, यानी कि बूढ़े बुजुर्ग हैं, ठीक है ना। ये सब वृद्ध हैं, वृद्ध यानी क्या होता है दोस्तों, बूढ़े, बूढ़े हैं, ठीक है ना। के ते गायंती, क्या यह गा रहे हैं, क्या यह गायन करते हैं, ठीक है ना। गायंती का मतलब गायन करना, गायन करना,
करना या गाना, गाना ठीक है ना। क्या यह गा रहे हैं या गायन कर रहे हैं? नहीं ते हसंती, यानी कि ना तो ये नहीं, ये तो क्या कर रहे हैं? हंस रहे हैं। नहीं हसंती का मतलब हंसना, नहीं ये तो क्या कर रहे हैं? हंस रहे हैं, हंसना ठीक है ना दोस्तों। मतलब ये हमारे जो शब्द परिचय जो रुचिका भाग प्रथम का जो पाठ था, पहला जो पाठ था कक्षा छह का, वो हमने शब्द परिचय जो है उसकी हमने जानकारी की है ठीक है ना दोस्तों। मतलब इसमें शब्दों के बारे में बताया गया है कि वृद्ध क्या कर रहे हैं और श्वेता क्या है, हैं सुनको का अर्थ क्या होता है ठीक है ना, और मतलब इसमें श्रीमती का मतलब क्या होता है, शौचिक का अर्थ क्या होता है ना दोस्तों। तो हमारे ये रुचिका भाग प्रथम का जो पाठ प्रथम पाठ था उस शब्द परिचय में हमने आज पढ़ लिया है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। बाकी जो कल की कक्षा में हम बात करते हैं।